हेलो जी, सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया हुआ था, शायद मैं आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था अभी इस सीरीज़ की। तो उसकी बस कुछ ही स्वेट शर्ट्स और टी शर्ट्स वगैरह रह गई हैं और हुडीज़ वगैरह कुछ रह गई हैं। तो अगर आप लोगों ने हुडीज़ या स्वेट शर्ट या टी शर्ट कुछ भी लेना है तो अभी हमारे इंस्टाग्राम पेज gaurav.co पे जाके ले सकते हैं। इंटरनेशनल कस्टमर्स जो है वो हमारी वेबसाइट www.gaurav.co वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है आज की वीडियो के अंदर एक और कॉन्टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरह का डिज़ाइन बनता है। हम ब्रीफ को पढ़ते हुए एक नया डिज़ाइन बनाएंगे डिज़ाइन क्राउड की। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर वी गो। कल की वीडियो के अंदर हम लोग जो कॉन्टेस्ट किया था, ठीक है, वो भी डिज़ाइन एक्सेप्ट हो गया है यहाँ पर। और इनकी डिज़ाइन क्राउड वालों की मेरे पास ईमेल भी आ चुकी थी, ठीक है, कि आपका डिज़ाइन हमने एक्सेप्ट कर लिया है, योर डिज़ाइन हैज बीन एक्सेप्टेड। अब आज की वीडियो के अंदर हम लोग एक और कॉन्टेस्ट करने वाले हैं। वैसे हमारे 5 डिज़ाइन तो एक्सेप्ट हो गए, ठीक है, लेकिन डिज़ाइन क्राउड का अभी हमारा डिज़ाइन अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ है। तो लेट्स सी, हो सकता है इससे ज़्यादा भी कभी कभी रिक्वायर्ड होता है, 9-10 भी लग जाते हैं। तो लेट्स सी कब तक अप्रूव होता है हमारा, लेकिन ये हमने 5 डिज़ाइन तो अप्रूव करवा लिए हैं। एक दो के बाद हम इनको ईमेल कर देंगे कि हमारा डिज़ाइन क्राउड का अकाउंट अगर आप समझते हैं कि अप्रूव हो सकता है और हमारे इनफ डिज़ाइन सबमिट हो गए तो आप अप्रूव करते हैं हमारा अकाउंट। तो लेकिन एक दो दिन बात करेंगे हम। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं कि एक मैंने ब्रीफ निकाली हुई है यहाँ पर, ठीक है, इसका नाम है लोगो का एग्री सेल्स, ठीक है। ब्रीफ पढ़ लेते हैं इसकी। नीड लोगो फॉर एग्री सेल्स इंक। वी सेल वेजिटेबल सीडलिंग्स एंड वेजिटेबल सीड्स। वुड लाइक अ सीड एंड अ सीडलिंग समवेयर इन द लोगो, ठीक है। सीड और सीडलिंग दिख रही है उसके अंदर। मे बी द इनकॉर्पोरेटेड इन द इनिशियल AS, ठीक है, AS के अंदर भी हो सकता है सीड सीडलिंग कुछ भी इस तरह से। मे बी इनकॉर्पोरेटेड सीडलिंग ट्रे इन टू द लोगो, ठीक है, सीडलिंग ट्रे भी हो सकती है। तो इसका नाम है एग्री सेल्स, ठीक है। और यहाँ पर नीचे चेक कर लेते हैं, इसने दिया हुआ है लीफ और सीडलिंग और सीड, ठीक है, लीफ भी हो सकता है इस तरह के लोगो इसको चाहिए। तो इसने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। एक तो इसने ये दिए हुए कि जिसके अंदर लीव से दिख रहे हैं और सीडलिंग ट्रे ये होती है सरा की, गूगल करेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगी। तो यहाँ पर इसने इसी का एक पार्ट लेकर इस तरह से लोगों के एग्जांपल दी हुई है, इस तरह से दिखाया हुआ है सीड का कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह से हम कुछ ट्राई करेंगे, या फॉन्ट के अंदर अगर इंक्लूड करना है तो यहाँ पर भी इंक्लूड कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। और एक इसने ये फाइल दी हुई है, इसमें भी तकरीबन वही है, एक आध कोई चेंज होगा कुछ, जैसे इसमें लीफ इसने ए के अंदर इंक्लूड कर दिया, इस तरह से कह रहा था वो, अगर ए एस के अंदर भी हो तो भी चल जाएगा। तो हम कुछ बनाते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ बनती है। सबसे पहले तो हम इसका टैग जो है वो कॉपी करके आउटपुट पर लेकर आ जाते हैं, ठीक है जी। और इसका साइज मैं 150 करता हूँ, फॉन्ट में चेंज करके इसका माउंट कर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रोक मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया है और इसको हम कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके एक्सपेंड कर रहे हैं। और स्ट्रोक को एक्सपेंड करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट में जाके इसको एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद हम गए पाथफाइंडर पे और इसको यूनाइट कर लिया, ठीक है। इसका साइज अब हम कर देते हैं इसकी विड्थ 400, ठीक है जी। और अब हम एक मेरे ध्यान में वो ये इस तरह का कुछ ये बनाते हैं, ट्रे सा वो कह रहा था ना, सीडलिंग ट्रे। तो एक उसका बॉक्स सा कर लेते हैं एक, ठीक है। और इसकी मैंने कॉपी लेके इसको थोड़ा सा छोटा किया और इस तरफ तक कर दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, एक ब्लैक कलर किया, इनको मिला दिया, ठीक है। हमारे पास बॉक्स आ गया इसका। और अब इसके अंदर से एक लीफ सा कुछ निकाल के हम ट्राई कर लेते हैं। पहले लीफ बना लेता हूँ मैं, ठीक है, छोटा करूंगा वो तो मैं अभी, ठीक है।
लीफ का तरीका मैंने बनाने का उसमें बताया था, एप्पल वाली अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो शुरू के अंदर हमने किया था, उसके अंदर हमने लीफ बनाया था, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट था। अभी मैंने डिफरेंट तरीके से बनाया है, उसमें लाइन हम बीच की जो है वो अलग से लगा रहे थे। तो ठीक है, साइज छोटा कर लेते हैं इनका। थोड़ा सा यहाँ से इसको सेट भी कर लेते हैं, स्मूथ नहीं लग रहा था मुझे। ठीक है, अच्छा पहले तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से कर देते हैं। उसके बाद हमने एक सीट के लीफ यहाँ पे लगा दिया, और थोड़ा सा बैलेंस आउट करना पड़ेगा इसको सेट। अच्छी क्या चीज बैठी होती है। हमारी एग्जांपल्स कहाँ गई, हमने बंद कर दी। ठीक है, इसके अंदर हम इस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कर देते हैं, देखते हैं। सेम भी नहीं करना क्योंकि सेम करने की प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। तो लेट्स सी, इसको हम थोड़ा सा राउंड कर दिया हमने। ठीक है जी, इस वाले पार्ट को मैंने लेके और इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ अगर तो भी अच्छा लगेगा। कलर्स, हाँ कलर्स देखने, पहले सबके ग्रीन ही दिए हुए हैं। इसको यहाँ से हम हल्का सा कट कर लेते हैं, ठीक है, यूँ करके। एक मैंने लीफ की इस साइड कॉपी ली थी, एक लीफ की उस साइड कॉपी ली, और इसके साथ सेलेक्ट करके हमने उसको शेप बिल्डर टूल से निकाल दिया। ठीक है, अच्छा इन दोनों का कलर हम कर देते हैं सेलेक्ट करके ग्रीन। ठीक है, और इसका कलर थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर दें, या क्या कहते हैं, एक मिनट इसको मैं कॉपी करके लेके आ जाऊँ। कॉपी, यहाँ पर फिर कलर कॉम्बिनेशन जो हमें बेस्ट लगेगा वो कर देते हैं इसके अंदर से। ठीक है, वैसे मतलब देखा जाए ना तो इसका जो ये है अंदर की जो हमने ये लगाई है, क्या कहना चाहिए इसको, मट्टी सी जो होती है, इसका कलर ये होना चाहिए उसूलन। और पौधे का कलर, हाँ ये सही है, ग्रीन हो जाए चल जाएगा। और इसको भी अगर हम यही वाला ग्रीन करते हैं, या ये मेरे ख्याल से इस कलर का भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा डार्कर शेड कर देते हैं किसी चीज़ में से लेकर, यहाँ से ले लेते हैं डार्क शेड। ऐसे भी अच्छा लग रहा है, ऐसे भी अच्छा लग रहा है, कर सकते हैं इसको हम, ये हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह। इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, लेकिन ये है कि हो सकता है, अच्छी क्या होता है। हाँ बल्कि इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना हम, ये लें जी, हो गया डिफरेंट। अच्छा अब मैं इसके कलर्स फॉन्ट के अंदर भी चेंज कर देता हूँ। सेल्स का कलर हम कर देते हैं ग्रीन, ठीक है, और एग्री का हम कर देते हैं ये वाला। ठीक है, और इनको सेंटर अलाइन करते हैं, ऊपर की तरफ थोड़ा सा कर लेते हैं। साइड पर रखें तो कैसा लगेगा, बैलेंस नहीं, ऊपर ही सही लग रहा है वैसे मुझे। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको बीच में से ये हटा भी दें तो भी ऐसा लगेगा, ये वो अजीब से लग रही है डंडी हमें,
इस वाले पार्ट को अगर हम निकाल दें, बेटर लग रहा है ना, इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। और इसको हल्का हल्का से स्मूथ सा कर लेते हैं, ठीक है जी। लोग हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको 1200 बाय 450 का हमने ये लगाया रेक्टेंगल, अरेंज सेंटर बैक, इसका कलर हमने कर दिया वाइट, ठीक है। और सेंटर अलाइन, ऊपर की तरफ अलाइन कर दिया इसको, और कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया, इसकी कॉपी ले ली, उसको हमने ग्रुप किया था, ठीक है। और इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। और इसका कलर अगर ब्राउन कर दूँ, एंड इसको अगर हम वाइट कर दें, एक मिनट, अभी सारी सबमिशन हम चेक कर लें हमने किया क्या है। ब्लैक वाइट पे किया है, इसके अंदर सिर्फ ये किया था हमने कि थोड़ा सा ग्रेश सा है, ब्लैक वाइट पे करना है हमने, नहीं नहीं कर सकते, कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते। तो इन दोनों को हमने ग्रुप कर लिया। इसका कलर जो है ब्राउन, वो थोड़ा हम लाइट कर देते हैं, ठीक है, कि वो इस पे भी सही लगे। हल्का हल्का सा हम शेड इसका लाइट कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये बेटर लग रहा है। और अब हम इसकी ग्रीन का कलर अगर हम थोड़ा चेंज करें, ये वाला ना, बस अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये। एक्चुअली सेल्स के नाम से हम इसकी फाइल सेव कर देते हैं, ठीक है। और ऑर्डर कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करके हमने इसकी जेपीसी निकालनी है, यहाँ से जाके हमने 5000 देना है इसका साइज, ठीक है। और सेव पे क्लिक किया, एक्री सेल्स के नाम से हमने इसकी फाइल इसकी सेव की, और अब हम इसकी जो है वो कॉन्टेस्ट में सबमिशन कर देते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, सबमिट पर जाते हैं। अब हम इसकी सबमिशन करने लगे हैं, ठीक है जी, एक्री सेल्स। और यहाँ पर हमने एक्री सेल्स लोगो लिखा और नो पे क्लिक किया, यस आई अंडरस्टैंड, सबमिट एंड अपलोड, ठीक है जी। लेट्स सी क्या होता है कि हमारा ये वाला डिज़ाइन एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपने लर्न किया होगा बहुत कुछ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। तो मिलता हूँ आप लोगों से फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।